फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है। आपको प्रूफ करना है 1/2, 7/5 और 6+√2 क्या है इरेशनल है। ओके सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोग देखेंगे स्टार्ट में 1/2 ठीक है इसकी बात करेंगे। ओके हम इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो मान लेते हैं लेट 1/2 इज अ रेशनल सेम रहेगा जैसा हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा है ये रेशनल मान लेते हैं और अगर रेशनल माना जाता है तो उसको किस रूप में लिख सकते हैं a अपॉन b के रूप में लिखा जा सकता है जहां पर a और b क्या है ठीक है a और b वो क्या है आपके कोप्राइम है a और b कोप्राइम है। तो अगर ये इस रूप में लिख दिया गया अब देखेंगे क्या लिखा हुआ है 1/√2 इज इक्वल टू 1 a अपॉन b। इसको हम रिसिप्रोकल कर दे दोनों का क्या मिल जाएगा √2 इज इक्वल टू बी अपॉन ए। ए और बी क्या थे रेशनल थे बी और ए क्या है भाई भाई वो भी क्या रहेंगे रेशनल ही रहेंगे ठीक है सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स थे ए और बी इंटीजर्स था तो बी अपॉन ए क्या हो जाएगा विल बी आल्सो आ रेशनल नंबर। भाई ए अपॉन बी जो है वो इंटीजर्स थे तभी आपके रेशनल नंबर बने अगर हम इसको चेंज कर दें बी अपॉन ए लिख दें तभी क्या रहेगा ये रेशनल नंबर ही हो जाएगा और ये हमारा क्यों आ रहा है ठीक है और इस कंडीशन पर हमारा रूट टू जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए शुड बी अ रेशनल नंबर। इस तरीके से रूट टू जो है वो भी रेशनल नंबर में होना चाहिए लेकिन ये क्या आ रहा है ये कंट्रोडक्शन हमारा फॉल्स हो जाएगा ये हमने जो एज्यूम किया था वो क्या है फॉल्स है दिस कंट्राडिक्ट्स ठीक है दैट √2 इज अ रेशनल ये क्या है आपका फॉल्स है। अगर ये फॉल्स है तो 1/√2 क्या हो जाएगा वो इरेशनल हो जाएगा। ओके 1/√2 इरेशनल हो जाएगा। ओके अब देख ले इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड इसी का सेकंड देख लेते हैं तेजी से ठीक है इसको इरेज किया जा रहा है तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर आप सेकंड को देखते हैं ठीक है हमारा ये हो चुका है। अब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं मान लेते हैं लेट 7/5 इज अ रेशनल माना जा रहा है ये क्या आपका रेशनल है ठीक है सेम टाइप का सभी क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है रेशनल है तो 7/5 क्या हो जाएगा उसको a अपॉन b के रूप में लिखा जा सकता है जहां a और b क्या होंगे को प्राइम हो जाएगा देन √5 इज इक्वल टू a ओवर b और 7 जो है डिवाइड होगा तो इधर आ जाएगा। अब आप देखें जो आपका a था ठीक है b है और a b एंड 7 ये क्या है आपके इंटीजर्स हैं ये सभी आपके इंटीजर्स हैं। अगर ये सभी इंटीजर्स हैं तो ये दोनों किस फॉर्म में लिखा था रेशनल नंबर के फॉर्म में ये जाकर के इसको डिवाइड करेगा तब भी क्या रहेगा रेशनल नंबर ही रहेगा तो इस तरीके से क्या हो जाएगा आपका 1/7b विल बी आल्सो अ रेशनल नंबर तो 1/7a/7b जो हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा एक रेशनल हो जाएगा। अगर ऐसा है तो √5 क्या हो जाएगा √5 को आपको क्या होना चाहिए एक रेशनल नंबर में होना चाहिए बट हमारा कंट्रोडक्शन क्या है जो हमने ज़ूम किया था वो रॉन्ग है ठीक है दिस कंट्रोडक्शन क्या था आपका दैट √5 इज अ रेशनल ये क्या है आपके फॉल्स हो जाएंगे। और अगर आपका ये कहीं फॉल्स होता है ठीक है अगर ये कहीं आपका फॉल्स होता है तो 7/5 को क्या लिख देंगे एक इरेशनल कह देंगे। ओके देख लें आप 10 सेकंड के लिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। दोस्तों
ये क्वेश्चन हो गया। अब लास्ट हमारे क्वेश्चन है, मान लो इसके भी लेट 6 + √2 इज अ रेशनल, इसको भी रेशनल मान लिया गया है। अगर ये रेशनल है तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां a और b क्या है आपके इंटीजर्स हैं और ये कोप्राइम भी है। देन √6 इज इक्वल टू a अपॉन b माइनस 6, ये रेशनल था, कुछ नंबर सेपरेट किया जाएगा तभी भी क्या रहेगा, रेशनल ही रहेगा, सिंस a अपॉन b, a एंड b आर इंटीजर्स, ये आपके इंटीजर्स थे। देन a अपॉन b माइनस 6 विल आल्सो अ रेशनल नंबर, ये भी आपके रेशनल नंबर होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो √2 क्या हो जाएगा आपका, √2 आपके क्या होने चाहिए, शुड बी अ रेशनल नंबर, ठीक है, √2 भी आपके रेशनल होने चाहिए। लेकिन हमने जो एज्यूम किया था, ठीक है, हमने जो एज्यूम किया था वो हमारा क्या है, रॉन्ग आ गया है, फॉल्स आ गया है। एज्यूम जो करके माना गया कि √2 जो है वो एक रेशनल है, ठीक है, ये क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। हमने जो एज्यूम किया वो हमारा क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। और अगर फॉल्स कहीं भी आ जाता है तो उसी समय हमारा, अगर कंट्राडक्शन रॉन्ग है, यानी क्या आपने कहा कि √2 रेशनल है, ये गलत है। अगर √2 रेशनल है, अगर ये रॉन्ग हमारा हो जाता है, मतलब ये क्या आपका होगा, रेशनल ना होकर के क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ओके, अगर हमारा कहीं रेशनल नंबर को हमने कह दिया कि वो रेशनल नंबर जो हमने लिया वो गलत है, इनकरेक्ट है, फॉल्स है, सही नहीं है, मतलब या तो नंबर गलत होगा और या तो हम उसको कह रहे हैं रेशनल नंबर गलत है, तो नंबर तो हम चेंज नहीं कर रहे हैं, तो इस रेशनल नंबर को हम क्या कह देंगे कि ये रेशनल नहीं है। √2 को हम या तो रेशनल बताना था या इरेशनल, तो कह रहे हैं कि रेशनल भैया ये नहीं है, तो अगर रेशनल नहीं है तो क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। देन √2 इज अ इरेशनल। ओके फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इसको देख सकें और इस लॉकडाउन के समय में अपने स्टडी को घर पे रहते हुए आराम से पढ़ सकें। ओके?